और राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है, परचम लहराता है, दुनिया को बताता है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है। किसी की हिम्मत इस जश्न के खिलाफ फतवा दे दे? कहा ना, भारत में रहने लायक नहीं रहेगा, उसको हम लोग निकालेंगे। ऐसे देशद्रोही को यहां रहने की जरूरत क्या? लेकिन डंके की चोट पर बोलता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते 15 अगस्त हमारे लिए कीमती है। भारत के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की जंजीर को काटा गया 15 अगस्त, गोरों के आगे झुके हुए सरों को उठने का मौका मिला 15 अगस्त, पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कोई हिंदुस्तानी उस दिन को भूल नहीं सकता, हर साल उस दिन को याद करेगा। मगर इसके बावजूद मैं कहूंगा कि 12 रबी अव्वल 15 अगस्त से ज्यादा कीमती है। वह इसलिए कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 12 रबी अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ है। आपने नारा लगा लिया, मैंने नहीं रोका, पर स्टेज से नारा ना लगाओ, लोग समझें कहीं फिक्सिंग तो नहीं है। ऐसा नहीं है, जो स्टेज पर बैठे हैं इनके अंदर भी इश्क रसूल की गर्मी है, इसलिए वो वज्र में आकर नारा लगाते। लेकिन मेरे मौलाना, गर्मी सिर्फ मौलाना ही में नहीं है, रसूल की मोहब्बत की गर्मी सुन्नी के बच्चे बच्चे में है। उनके जोश का कोई जवाब नहीं है। नारा लगाएगी तो आवाम लगाएगी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जब तक ये नारा रहेगा तब तक मुस्तफा का चर्चा रहेगा। मैं मुकाबले में बताता हूं, जन्म पे बात होगी। नबी ने जन्म लिया सबके लिए, नबी ने जन्म लिया सबके लिए, और अली ने जन्म लिया सिर्फ नबी के लिए। हमें याद नहीं है जब पैदा हुए थे काबे में, कहां पैदा हुए थे? तो अली की जन्मभूमि, अल्लाह का सबसे बड़ा घर अली की जन्मभूमि है। ऐसी जन्मभूमि ले आओ, ये समझने वालों के लिए बोला है, जो ना समझे वो समझने वालों से समझ ले। लेकिन मौला अली कितने ईमानदार हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा काबा मेरा है, अकेला मेरा है, इसका मैं मालिक हूं, यहां मेरे नाम का बनेगा। कभी नहीं कहा कि मेरी जन्मभूमि है, मैं इसका अधिकार है। इतने ईमानदार थे। अब पैदा कोई कहीं भी हो जाए, मालिक थोड़ी हो जाता है। और अली के मानने वाले भी कितने ईमानदार हैं, खानदान कितना ईमानदार है, इमाम हसन इमाम हुसैन कितने ईमानदार हैं। कभी सिद्दीक अकबर से नहीं कहा काबा हमको दो, मेरे बाप की जन्मभूमि है। तो ईमानदारों का अंदाज और होता है, बेईमानों का अंदाज और होता है। मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, मुझे चुप नहीं करा सकते,
क्योंकि मैं यहाँ जीने के लिए नहीं मदीने के लिए आया हूँ। हुआ यह था कि हजरत सैयदा फातिमा बिनत असद मौला अली की अम्मा उम्मीद से थी, सोचा तवाफ करके घर लौट आऊंगी, और एक दो तीन तवाफ हो भी गया था, परिक्रमा का बेटी कर रही थी। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, अचानक परसों पीड़ा, बच्चा पैदा होने का डर उठ गया। अब मुताब में रहें, कहाँ जाएं, क्या करें, डिलीवरी हो रही है, न देखा आओ न देखा जाओ। काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली, और तन्हाई में मौला अली का जन्म हुआ। उनको काबे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने से रोक कौन सकता था, ये कोई आम औरत नहीं थी, मुतवल्लिये काबा जनाब अबू तालिब की हरम मोहतरम थी, खानदाने बनी हाशिम का नाज थी, कौन रोक सकता था। चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की वाइफ, मौला अली की लाइफ। जब अच्छी तरह डिलीवरी हो गई तो जनाबे फातिमा बिनत असद ने अपने को संभाला, समेटा, अली को कपड़े में लपेटा, मस्त थी कि मिल गया बेटा। लेकिन उनकी खुशी में एक थोड़ी सी सैडनेस, एक थोड़ा सा दुखावा भी आ गया उस बात का। अली जब पैदा हुए तो दोनों आंखें बंद, क्लोज्ड आईज, लाइक ए ब्लाइंड, नाबीना, अंधे पैदा हुए। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सुख ये था कि बेटा खानदाने बनी हाशिम का चांद आ गया। खुशी थी बट थोड़ा सा रंज भी था, काश ये अंधा ना होता। उसको लेकर के काबे से घर आई, जनाबे अबू तालिब अपने शोहर से कहा कि ये देखिए बेटा पैदा हुआ, उन्होंने अली नाम रखा। तो कहा देखिए ना, काश इसके आंख होती। दोनों तसल्ली दी, घबराओ मत, तुम सिर्फ आंख देख रही हो, जरा इसका चेहरा देख। ऐसा लगता है कि जन्नत ने अपना हुस्न निसार कर दिया हो, जरा इसकी पेशानी देख, लगता है आसमान के कहकशा अपनी कतार भूलकर पेशानी अली में जमा हो गए हों। और आंख नहीं अच्छा है, आंखों से जो गुनाह किया जाता है उसे मेरा बेटा बचा रहेगा, तसल्ली। इतने में हजरत अली के ताया आए, चाचा आए, सबसे उन्होंने कहा हाँ मगर अंधा है। तो सबने तसल्ली दिया, हमारे यहां यूपी में उल्टा सीधा भी लड़का पैदा हो जाए, आंख नाक देखने लायक ना भी हो, तो भी खुशी से कहता है मियां बेटा है, मियां बेटा है, देसी घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो भी मजेदार होता है। आया तो बेटा, एक दिन दो दिन गुजर गया, धीरे धीरे ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हुई। अपने घर से चले, मोहल्ला अब्दुल मुत्तलिब में जो मकान बनी हाशिम का,
उसमें जहां घर जनाब अबू तालिब का था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, चची जान काय मेरा भाई अली, वो कमरे से लेकर बाहर आई और वही कहते हुए, औरतों को अल्लाह अच्छा रखे, सुई बदलती नहीं, अटक जाती। देखो मोहम्मद, ये तेरा छोटा भाई है मगर अंधा है, मगर अंधा है। नबी ने कहा, चची जान हमें दीजिए, चाहे जैसा हो, अली मेरा है। और जैसे ही फातिमा बिन्त असद अपने हाथों से अली को नबी के दोनों हाथों में दिया, अली ने आंखें खोल दी। दुनिया जान गई, हर घर में बेटा पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ सभी के लिए, मेरे लिए भी, शेखुल इस्लाम के लिए भी, मुफक्किरे मिल्लत के लिए भी, मेरे खानदान भर के लिए। आपके बच्चा पैदा होता है सभी के लिए, सभी के लिए। सिर्फ अली एक ऐसी जात है जो पैदा हुई सिर्फ नबी के लिए। अम्मा ने गोद लिया, आंख नहीं खोली, अब्बा ने गोद लिया, आंख नहीं खोली, ताया ने लिया, आंख नहीं खोली, इंतजार है जब नबी लेगा तो आंख खोलूंगा। यहां उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अली को कैसे मालूम कि नबी है? तवज्जो चाहूंगा। बात में बात पैदा करो, तदब्बुर से काम लो, फिक्र से काम लो। उस वक्त तक नबी ने नबुवत का ऐलान नहीं किया था। जब अली पैदा हुए, ऐलान नबुवत नहीं था, बगैर ऐलान के नबी को पहचानते हैं अली। अरे जब बचपन में मार्फत का ये आलम है, तो जवानी में मार्फत का आलम क्या होगा? अली का नारा लगाओ, हाशिमी का नहीं, क्योंकि अली ना होते तो हाशमी भी ना होता। आप फिर से गौर करें, अभी एक साहब ने खबर दिया कि बाबा उमरे का दरवाजा खुल गया है। अब जितने काबा देखने वाले, मदीना देखने की तड़प रखने वाले हैं, लाइन में आ रहे हैं, लेकिन वो कोरोना ने उनका गर्दन दबा रखी। ये अजीब बीमारी है, बड़ा सूफियाना रंग है, कोरोना में बड़ा सूफियाना रंग है। सूफी का क्या करता है? दुनिया का कोई काम करो ना, घर में बैठे रहो, कुछ करो ना। डेढ़ लाख, दो लाख, ढाई लाख रुपया खर्च करते हैं, काबा जाते हैं, उमरा करते हैं। भाई इतना रुपया खर्च कर, हाँ सबसे बड़ा घर है अल्लाह का। हज करने के लिए या उमरा करने के लिए हम जाएंगे काबा में, तो काबा देखेंगे, उसकी जियारत करेंगे,
बाबे काबा नजर आएगा, हतीम की जियारत करेंगे, मकामे इब्राहिम देखेंगे, मुताह, सफा मरवा। अच्छा, इसलिए हम 3 लाख 4 लाख खर्च करते हैं, काबा देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। मैंने आलमे ख्याल में मौला अली से पूछा, आप तो काबे में पैदा हुए थे, फ्री देखने को चांस था। हम तो बाहर ही देख के लौट आते हैं, आपको तो अंदर काबा देखने का मौका था, आंखें बंद क्यों? अल्लाह का घर नहीं देखोगे? पहले रसूलुल्लाह ही देखोगे, अल्लाह का घर काबतुल्लाह नहीं? कहा अली काबतुल्लाह के दीदार का शौकीन है, मगर मेरी सिचुएशन पर गौर कर, मैं जहां पैदा हुआ था वो सिर्फ काबा ही नहीं था, 360 बुद्ध भी थे। तवज्जो चाहूंगा, उसमें 360 बुद्ध थे। मैं आंखें खोलता, उन बुद्धों को देखता। अली दुनिया में बुद्ध देखने नहीं, बुद्धों को हटाने के लिए पैदा हुआ है। अब जब तुम काबा देखने जाते हो तो मैं पहले साफ कर चुका हूं, तब जाते हो। और मैं जब गया था भरा हुआ था, तारीख गवाह है कि फतेह मक्का के बाद जब पूरा कंट्रोल हुजूर को हो गया, छोटा सा टुकड़ा रखता हूं इतिहास का जो चैलेंजेबल ही नहीं है, एडमिटेड फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, और वो ये कि सारे साहबा, हजारों साहबा, तो बड़े बड़े साहबा, खुल्फाए राशिदीन जो हुए वो भी मौजूद, अशरे मुबशरा वो भी मौजूद, मुहाजिरीन मौजूद, अंसार मौजूद। रसूल पाक ने अली का हाथ पकड़ा, उस बड़े बड़े अली से भी बड़े दर्जे वाले वहां मौजूद हैं। अकीदा हमारा यही है, मगर हाथ अली का पकड़ा, चलो अंदर। सिर्फ नबी और अली गए, या रसूल अल्लाह और किसी को नहीं? कहा यहां दर्जे का सवाल नहीं है, यहां मौके का मामला है, जो आला अफजल है वो मैं नहीं ले जा रहा हूं, जो जरूरी है वो ले जा रहा हूं, आला अफजल साहबी को मैं नहीं ले जा रहा हूं, जो जरूरी है वो ले जा रहा हूं। क्या जरूरी है? अरे ये काबा इनकी जन्मभूमि है, अब गंदगी साफ वो करे जो वहां पैदा हुआ है। एक एक वन बाई वन उठाया, सही जगह पहुंचाया। इस्लाम तोड़फोड़ नहीं करता, हर चीज को उसकी सही जगह पर पहुंचाता है, और सही जगह पर रखना ही न्याय है, और स्थान बदल देना ही अत्याचार है। तो इन पत्थरों की जगह कहीं और थी, काबे में घुसा है, ये अत्याचार है, और काबे से निकाल कर सही जगह पहुंचा दिया, यही न्याय है। अब 359 आराम से बाहर हो गए। एक बहुत ऊंचाई पे था, बज़ाहिर हाथ नहीं पहुंचता था। रसूल पाक ने फरमाया, ए अली मेरे कंधे पर पैर रख के खड़े हो जाओ। ये तो जुमला है, जरा करके देखो, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे कंधे पर कोई खड़ा हो जाए तो जानू, मुझे अगर कंधे पे लेना है तो मुझे उकड़ू बैठना होगा, और जब मैं जमीन के करीब बैठ जाऊंगा तब कोई मेरे ऊपर पैर रखकर, मेरे जोश पर, मेरे कंधे पर पैर रखकर खड़ा हो सकता है। नबी करीम बैठ गए, अली मुर्तजा मुश्किल कुशा का दोनों कदम
हुजूर के कांधे पर, ऐसा पैर ले आओ। और हुजूर धीरे धीरे होले होले ऊपर हो रहे, उसी तरह अली भी धीरे धीरे होले होले बुलंद हो रहे, सरकार उठ रहे हैं, अली भी उठ रहे, सरकार बुलंद हो रहे हैं, अली भी बुलंद हो रहे, सरकार पूरे तरीके से खड़े हो गए, अली पूरे तरीके से बुलंद हो गए। और जैसे ही गुलामाने अली ने ये मंजर देखा तो वज्र में आ गया हर गुलामे अली कि अब मौला अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब आओ, नबी का कांधा, अली का कदम, नबी का कांधा, अली का कदम, कोई हैरत नहीं हुई? तो जब नबी के कांधे पर अली का कदम हो सकता है, तो अगर अली का पोता बगदाद में ऐलान करे कि अब्दुल कादिर का कदम सारे वलियों के कांधे पर है, तो ये तो मौरूसी सिफत है। तो काबे में किसने उठाया? अली ने नबी को? नहीं, नबी ने। अब दूसरा मंजर, हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, तजलियों की बरसात है, मलाइका की बारात है, रहमतों की बरसात है, बाहर दुश्मनों की घात है, वल्ला क्या बात। नबी करीम ने मौला अली से कहा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर। हर बिस्तर और है, नबी का बिस्तर और है, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सुबह उठना, ये काफिरों की अमानत है, हर एक के यहाँ पहुँचा देना। मैं अपने हाथ से ये नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं हिजरत रात करूँ। ये रात और रात भी मौलाना अजीब मामला है, रात और रात। जब अल्लाह करम फरमाना चाहता है अपने हबीब पर तो रात और रात। मक्का से लामकान ले गया रात और रात, मक्के से मदीना ले गया रात और रात। अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे जाना है, तुम सो जाओ। और बाहर 40 काफिर 80 आंखें टुकुर 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 दरवाजे पे लगी। पहले तो चौखट से हम लगाव रखते थे, चौखट पे नजर जमी हुई है, निकलो मारो। और स्टाइल ये थी कि वो 40 काफिर 20 इधर 20 इधर, बीच में लंबा चौड़ा गैप, ताकि बीच में से निकले तो तलवार के लिए जगह हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कंकरी उठाया, दरवाजा खोला, कंकरी फेंक दिया, सब अंधर आ गए, चौंधी आई गए, आंख रख के अंधे हो गए, नबी को देखा ही नहीं। हकीकतन नबी जा रहे हैं लेकिन नजर नहीं आए,
जुमला दे रहा हूँ, हकीकतन नबी जा रहा है, नजर नहीं आया। मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाजी मिल्लत। सामने ही रसूल जाने उनको देखा नहीं पड़ा, कंकरी का इतना असर है। जब फेंकी हुई कंकरी का इतना असर है तो कंधे पर उठाए हुए हसन हुसैन का कितना असर होगा। कंकरी लग गई, सब अंधरा आ गए, सूर अंधे हो गए, दिखाई नहीं पड़े, काफिरों को नजर नहीं आए। अब अगर कोई कहे कि जलसे में आए, हमने जलसे में नबी को नहीं देखा, मिला तो नबी में नबी को नहीं देखा, हम दरूरों में भी नबी को नहीं देखा, दरगाहों में भी नबी को नहीं देखा, हम ख्वाजा की बारगाह में पहुंचे वहां भी नहीं देखा, हमने कुतुब दादा के यहाँ भी देखा वहां भी नबी नहीं दिखाई पड़ते, न शाह आलम में दिखाई पड़ते, न कुतुब आलम में दिखाई पड़ते, न बगदाद में दिखाई पड़ते। तुमसे झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। और मौला अली क्या फरमा रहे हैं, मैं नबी के बिस्तर पर लेटा चैन की नींद सोया। जरा गौर फरमाइए, बहुत चैन की नींद सोया, ऐसी चैन की नींद सोया, लाइफ में कभी वैसी चैन की नींद नहीं आई। लो बात, 40 काफिर, आतंकवादी, देशद्रोही, कट्टरपंथी, मानवता के माथे पर कलंक का टीका, मर्डर के लिए, हत्या करने के लिए हैं बाहर, अली चैन से सो गए। कहाँ है मनोवैज्ञानिक, कहाँ है साइकोलॉजिस्ट, बताओ अली की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। इत्मीनान है तभी तो सो गए, ये कोई इत्मीनान का मौका है? नेजा लिए हुए, तलवार लिए हुए, कत्ल के इरादे से आए हैं और अली चैन से सो गए। इतना खतरा अपने ऊपर रख, 2 बजे रात में 10 पुलिस वाले दरवाजा खटखटाए, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं, वो कुछ बताने आए हैं, सताने नहीं आए हैं। तब भी स्टार देख के रूह कांपती है, वर्दी ही का असर, पूछताछ के लिए भी अगर पुलिस आ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है। और वहां कत्ल करने, हत्या करने के मुकम्मल इरादे के साथ 40 लोग बाहर हैं, अली चैन से सो गए, कोई खतरा नहीं। कहां अली को कोई खतरा नहीं था, इसलिए चैन से सो गए। सरकार खतरा क्यों नहीं था? कहा खतरा तो था, मगर जमानत मेरे नबी ने लिया। जामीन मेरा नबी है, उसी ने मुझसे कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। अली किसी भी रात में मर सकता था, मगर आज की रात नहीं मर सकता, चैन से सो गया। चैन से सो गया। अगर मैं मारा कैसे जाऊंगा, नबी ने कहा सो जाओ, सो जाओ, सुबह उठना है तो मरना नहीं है, अमानत बांटना है तो खतरा नहीं है, मदीने तक की गारंटी। आ गया जुमला, सुन लो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले ले,
वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, हुजूर गाजी मिल्लत। अब आओ कुछ नाजुक बात हो जाए। वो बंबई की बोली में इंतजार करते करते काफी कंटाल गए। अंदर घुसे, बड़े खुश हुए, नबी लेटा हुआ है और नबी निकल गए, कंकरी फेंका गए, तो अली लेटे। एक बात बताऊं, अली मक्के में पैदा हुए, उनकी चाल ढाल चेहरा मोहरा जाना पहचाना, काफिरों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन वो भी गलती में पड़ गए। लेटा है अली, लग रहा है लेटा है नबी। क्या सुन्नत मुस्तफा थी, कैसी नकल हबीब थी, कैसी अदाए रसूल को अख्तियार किया कि लेटे हैं अली और काफिरों को लग रहा है लेटे हैं नबी। अक्से जमील हो तो ऐसा हो, मजहरे कामिल हो तो ऐसा हो, परतवे रसूल हो तो ऐसा हो। जब चादर हटाई, ओ नबी नहीं अली, चेहरे से पता चला कि ये नबी नहीं अली है, अदाओं में तो धोखा खा गए। तो जानते हो वो भाग के कहां गए, कि जब नबी अपने घर में नहीं है तो अबू बकर सिद्दीक के घर में होंगे। कहाफा के बेटे अबू बकर उन्हीं के घर में होंगे। यानी उस दौर में भी लोगों को मालूम था कि नबी या तो अपने घर में होंगे या सिद्दीक के घर में होंगे। ये ताल्लुक उन्हें मालूम था और तू भूल गया। अल्लाह, जब अबू बकर सिद्दीक के घर गए तो वहां से भी निकल चुके। अब पीछा ढूंढो, जाने न पाए, मक्के से निकलने न पाए, प्रतिबंध। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम नाज का ये मोजिजा था, है कि अगर जैसे मिट्टी है, पानी है, मिक्स है, कीचड़ है, हुजूर उस पर पैर रख दें तो निशान नहीं पड़ता था। इंसानों का निशान कीचड़ पे पड़ता है, नबी का नहीं पड़ेगा। इंसानों के पैर का निशान पत्थर पे नहीं पड़ता, नबी का पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, आपका कदम पत्थर पे हो तो इंसानों का निशान नहीं पड़ता, आपका पड़ता है। और इंसानों का निशान जो है नर मिट्टी पे पड़ जाता है, आपका नर मिट्टी पे नहीं पड़ता। सलाम बोला, अब तो समझ में आया कि नबी हमारी तरह नहीं है। अब हुजूर ने मसलहत अख्तियार की कि मेरा पैर पत्थर पर पड़ेगा, निशान होगा तो पीछा करने वाले पीछा आसानी से कर लेंगे। बुलाए अबू बकर, तुम मुझे अपने कंधे पे उठा। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पर उठा लिया और सरकार के दोनों नूरानी पैर हवा में लटक रहे हैं, निशान पड़ ही नहीं रहा। अब पीछा कैसे करोगे? ये बात तो हुई मसलहत की, लेकिन फजीलत की बात तो देख। काबे में अली को खुद उठाया और हिजरत में अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठाया।
जिस सिद्दीक ने, अकीदे का जुमला बोल रहा हूं, जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, जिस अबू बकर सिद्दीक ने बारे नबूवत उठाया हो, उसके जिंदा रहने में बारे खिलाफत कौन उठा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर। इख्तसार से मुख्तसर करके शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे गारे सौर में पहुंचे, बाहर खड़े हैं। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पहले मैं जाऊंगा, पीरो मुर्शिद के आगे वो जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा। घर पुराना है, पता नहीं कौन सा कीड़ा मकोड़ा होवे, सांप बिच्छू, तो जो हो आपके गुलाम को आका सेफ रहे। तो आजकल के मुरीदों को तो छोड़ो, मैं 100 साल पीछे के मुरीद की बात बताऊं, मखदूमुल औलिया हमशबीह गौसे आजम शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी, दिल्ली में गए हुए थे, उनके एक मुरीद ने दावत दिया और कहा हुजूर मैंने एक घर लिया है, अभी हम लोग उसमें शिफ्ट नहीं हुए, आप आ कायम फरमाएं, बरकत होगी। हजरत वहां गए, मगरिब की नमाज पढ़ा, वजीफे में लग गए, ऐशा का वक्त आया, ऐशा की नमाज पढ़ी, खाया पिया और लेट गए। अब सुबह मुरीद देखने आया, पीर साहब बचे कि नहीं। अब जब फजर के बाद वो आया तो अशफी नाना ने कहा, अरे तू पहले बताना था ना कि ये घर जिन्नातों से भरा हुआ है, तुझे पहले बताना था, मैं उस हिसाब से जाता, अचानक तूने मुझे भेज दिया। कहा सरकार मैं ये जानता था कि इसमें जिन्नात भरे हुए हैं, अब अगर आप जैसा पीर उसमें चला जाएगा तो या तो आप वापस आएंगे और जिन्नात साफ हो जाएगा, और या फिर आप ही साफ हो जाएंगे, तो दिल्ली में आपकी मजार बना देंगे। ऐसे पहले पीर साहब को सदमे में डालो, पीर साहब को आजमाइश में डालो, वो अपना लड़ भेड़ करके अगर सही सलामत वापस आए तो पीर तो है ही है, मेरा घर क्लीन हो जाएगा। मगर वो सिद्दीक अकबर हैं, जहां सिर्फ इम्कान है खतरों का, इम्कान है खतरों का, आका पहले मैं जाऊंगा, और हुआ भी वही। सिद्दीक अकबर गार में गए, जो कचरा था, रबिश, गर्दो गुबार, कूड़ा करकट निकाल बाहर किया, और जो कुछ सुराख थे अपना कपड़ा फाड़ के सुराख भर दिया कि बाहर से कोई आने न पाए, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू, एक बच गया, कपड़ा खत्म हो गया, पैर लगा दिया। अंदर ही लेटे लेटे बैठे बैठे बोले, या रसूल अल्लाह आ जाइए, गारे सौर साफ हो गया। और रसूल पाक फिर गारे सौर में गए। मैं पूछना चाहता हूं, एक मामूली से गार में, तवज्जो, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, हुजूर काजी मिल्लत जिंदाबाद। आप गौर फरमाइए, है आप लोगों को दिलचस्पी, चाहते हैं आप कि आपके दिल में नबी आ जाएं? अरे मिलाद का मौका है, मांग के तो देख,
आपके घर में बेटा पैदा होता है तो बाबा दादा लुटाते हैं। आज अल्लाह का नबी पैदा हुआ है, अल्लाह अपना फैज अपना करम न जाने किसको रब क्या दे दे। तो आप चाहते हैं कि नबी आपके दिल में आए। एवरीबडी एवरीबडी इंटरेस्टेड, ओ माई बिलव्ड होली प्रॉफिट कम इन माई हार्ट, ऐसा चाहते हो तो फिर एक काम करो अबू बकर सिद्दीक को अपने दिल में पहले लाओ। दिल में जो रविश है, जो कचरा है, जो बिदतें हैं, जो हरामकारियां हैं, जो खताएं हैं, जो गुनाह है, वो सारे कचरे सिद्दीक अकबर निकाल देंगे, तुझे नहीं कहना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक कहेंगे या रसूल अल्लाह चले आइए, दिल साफ हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या अली, या अली, जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नबी हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, घर वाले खुश होते हैं, क्या कहते हैं, मेरा बेटा पैदा, मेरा में बहुत दम है, मेरा बेटा पैदा हुआ। पड़ोसी को कोई दिलचस्पी नहीं, तेरा बेटा है मेरा नहीं। करोड़ों रुपया अपने बेटे को क्यों दे दिया, कमाया तुमने और बैठे बैठे बेटे को दे दिया, मेरा बेटा है। ये 10 लाख का दागीना बना के किसके लिए ले जा रहा है, औरत के लिए, हाँ तो काय को 10 लाख खर्च कर रहा है, मेरी बीवी है। कोई एतराज करेगा शौहर बीवी के लिए दागीना लेके आए, जानते हैं सब, बोला है मेरी, मेरा बाप। हिंदुस्तान के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से यह कोरोना खत्म हो, वबा खत्म हो, क्यों, मेरा मुल्क है, मेरा में बड़ा दम है, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा में बहुत दम है। अब मेरा देश, ईरान को क्या दिलचस्पी, मेरा देश ऐसा है, चाइना को क्या लेना देना, पड़ोसी से क्या मतलब, मेरा देश, विदेश से क्या मतलब, मेरा परदेश, दूसरे परदेश से क्या मतलब, मेरे यहां बेटा पैदा हूं, मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरा बेटा। और जो मेरा नहीं समझता पड़ोस में, तो 12 रुपए अकबर को इतना खुश क्यों हो, सुननी हो, कहना मेरा नबी आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरा नबी आया, उसने जो हमें दिया उसके सवा किसी ने नहीं दिया। हमारे घर बेटा आया, क्या पाया, दुनिया, क्या मिली उसे, दुनिया मिली, मेरा नबी पैदा, खुदा मिला, कुरान मिला, कुरान का साथी मिला। जब तक कुरान रहेगा मिलादुन नबी का एहसान रहेगा, जब तक कुरान का साथी रहेगा मिलादुन नबी का एहसान रहेगा।
जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं सब पैदा होने के बाद बुजुर्ग हुई हैं। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तब गौसे आजम बने, हसन संजरी पैदा हुए तब गरीब नवाज बने, अशफे समनानी पैदा हुए तब गौसुल आलम बने। पैदा ही नहीं होगा तो बनेगा क्या? हम पैदा होते हैं तो हम कुछ बनते हैं, लेकिन जब नबी पैदा हुए तो बनाते हैं। हम पैदा होके मुकर्रर बन गए, कोई पैदा होके पीर बन गया, कोई पैदा होकर शेखुल इस्लाम हो गया, कोई पैदा होकर मुजद्दीद आजम हो गया, कोई पैदा होकर मुहद्दिस आजम हो गया। सबने अपने आप को संवारा है, नबी ने अहले सुन्नत को संवारा है। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरदार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, हुजूर गाजी मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आइए मिलाद का एक नया पहलू, अभी दिमाग में खड़े खड़े आ गया तो बताऊं। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक नेता आए, बहुत सारे अंबिया कराम भी आए, मेरे माँ बाप कुर्बान मूसा कलीमुल्ला पर, ईसा रूहुल्ला पर, दाऊद खलीफतुल्ला पर, सबके पास किताबें हैं, लेकिन कोई किताब सेफ नहीं है। जबूर एमेंडेड, संशोधित, तौरेत संशोधित, इंजील संशोधित, चैप्टर का चैप्टर बदल गया, मगर जब मेरे नबी ने कुरान दिया तो सुपर पावर में भी ताकत नहीं की एक आज बदल के दिखा सके। ये अमेंडमेंट हुआ कैसे, इसका जो रीजन है वो लोगों के जहन में नहीं है कि हजरत मूसा को तौरात दें और बाद में वो उसमें संशोधन हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए, तहरीफ हो जाए, परिवर्तन कर दिया जाए जुमलों का, ऐसा कैसे हुआ? बात ये है कि तौरात का हाफिज, तवज्जो चाहूंगा, बहुत एकेडमिक बात बता रहा हूं, तौरात के हाफिज सिर्फ दो ही थे, एक मूसा कलीमुल्लाह, एक हजरत हारून अलैहिस्सलाम। जबूर के हाफिज सब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील के हाफिज फिर ईसा मसीह। अल्लाह की किताब इतनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि उसके हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी। तवज्जो, अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब तक नबी रहा हिफाजत रही, नबी चला गया कोई हाफिज ही नहीं, और कुरान को तेरा बाप भी नहीं बदल सकता, क्योंकि कुरान के हाफिज नबी भी हैं, उम्मत नबी भी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर गासिए मिल्लत, जिंदाबाद, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़मीन, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या अली, या अली। तो हाफिज को हल्के में मत लेना, कुरान को हिफ्ज करने की क्वालिटी नबी में होती थी, किताबे इलाही को हिफ्ज करने की क्वालिटी नबी में। तौरात है तो हाफिज तौरात मूसा अलैहिस्सलाम, जबूर है तो हाफिज जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील है तो उसके हाफिज हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, लेकिन कुरान का हाफिज होना
शान पहले नबी की नबी की थी, मेरे नबी का करम देखो, उनके पैदा होने की मेहरबानी देखो, उनके जन्म दिवस का करम देखो, नबी के चरणों का प्रताप देखो, कि जो सिफत सिर्फ नबियों में होती थी अपनी उम्मतियों को अता कर दिया। अब अगर कोई पागल दीवाना सीढ़ी गांडा सुपर पावर हजारों मिसाइल एटमिक प्लांट पगला जाए और कहे ये धार्मिक पुस्तकों से ही विभाजन हुआ है, घृणा हुई है, सांप्रदायिकता संकीर्णता ने जन्म लिया है, अगर धर्म धार्मिक किताबों को खत्म कर दिया जाए तो सारे मानव जात एक हो जाएगी, ऐसा सोचकर कोई पागल दुनिया भर से पूरा कुरान पुराण गीता बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट सब इकट्ठा करके अरब सागर में फेंक दे, सारी किताब डूब गई है, किसी के पास नहीं। 50 साल के बाद दुनिया को पता लगा अबे लोग खुदा को भूल गए, वो किताबें जरूरी हैं। अब सब धर्म वाले परेशान हुए, क्या करें, कहाँ से लावें बाइबिल, कहाँ से लावें तौरात, कहाँ से लावें इंजील और कहाँ से लावें वेदांत, सब दरिया में, और कहाँ से लाएं कुरान, वो भी गया दरिया में। तो वो लोग तो 50 साल के बाद पछताते रहेंगे और मुसलमान दूसरे ही दिन कुरान तैयार कर लेगा। वो इसलिए तैयार कर लेगा कि ए पागल डिक्टेटर, तूने कुरान को सफीने में तो डलवा दिया, उसे कैसे निकालोगे जो हाफिज के सीने में है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नूर गाजी मिल्लत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या अली, या अली। कुरान का साथी अहले बैत को, अहले बैत का साथी कुरान को बनाकर रसूल ने देखा दिया कि तुम मत सर पटक पटक के मर जाओ, कुरान बदला नहीं जा सकता। और 1000 यजीदी मरवानी फितने आए, अहले बैत को मिटाया नहीं जा सकता। अल्लाह सुभान, चूंकि मैं दिल से जमाते सहाबा का बड़ा मद्दा रहा हूं, दिल से रसूल के सहाबी, वो सहाबी जिस दर्जे का, बस सहाबी है तो बस मेरा सरताज। जैसे तकरीबन कहा जाता है 1,24,000 कमोबेश अंबिया, 1,200 प्रॉफिट्स, 24,000 प्रॉफिट्स केम इन दिस वर्ल्ड, नाम सिर्फ 25 का मालूम है, यानी 24,000 नबियों में 23,975 का नाम ही नहीं मालूम, फिर भी हम मानते हर नबी को हैं। नबूवत एक दर्जा है, नाम मालूम हो ना मालूम हो, काम मालूम हो ना मालूम हो, नबूवत है तो हमारे सर हाथों पर। ऐसे ही सहाबियत एक दर्जा है, चाहे सिद्दीक अकबर जैसा हो या फिर बिलाल हबशी जैसा हो, सहाबी है तो आंखों के सरताज। इसलिए कि हमने कुरान देखा, हदीस देखा, पीर देखा, उस्ताद देखा, तब मुसलमान हुए।
और उन्होंने रसूल देखा था मुसलमान। वो भी हक पर हैं जिन्होंने गरीब नवाज को देखकर इस्लाम कबूल किया, हजरत कुतुब महमूद दादा को देख करके इस्लाम कबूल किया। हम खुश नसीब, लेकिन रसूल के देखने वाली आंखें कहाँ हैं? वो तो सिर्फ सहाबी में है, किसी वहाबी में है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं सहाबे कराम की अजमत और इज्जत को जानता हूं, और उसमें बाद सहाबा की खिदमत को भी जानता हूं। आला ने आला दर्जे का किया, औसत सहाबी ने औसत दर्जे का किया, पर हर सहाबी ने रसूल ही का दीर गाया। ऐसे अहले बैत अतहार एक घराना है, रसूल का घराना। जब देखने वालों का ये आलम है तो रसूल की गोद में पलने वालों का आलम क्या होगा? कुरान का साथी चाहिए, क्योंकि जब मूसा अलैहि सलाम गए तो तौरात का कोई साथी नहीं रहा। ईसा मसीह के बाद बाइबिल का कोई साथी नहीं रहा। रसूल जानते थे अकेला कुरान दूंगा तो लोग तफसीरें बदलेंगे, तर्जुमे गलत करेंगे, तो कोई साथ में रहे? अगर बातिल फंसाता रहे तो साथी बचाता रहे। तो या रसूल अल्लाह, सहाबा कराम को साथी क्यों नहीं बनाया? जमाते सहाबा से बढ़िया जमात आसमान ने कहीं देखा ही नहीं, चश्मे फलक ने देखा नहीं। जमाते सहाबा से बेहतर जमात दुनिया में है ही नहीं, उसे कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? रसूल पाक ने सहाबा की इज्जत और अजमत बताया है, कुछ छुपाया नहीं। कहा ये मेरे सहाबा आपस में लड़े भिड़े एक जमात है, इसीलिए किसी सहाबी को सुन्नी मुसलमान नहीं कहा जाता। ओ हिम्मत तो कहो, अबू बकर सिद्दीक सुन्नी मुसलमान थे, थे तो कहने की हिम्मत नहीं है। कहा यार ये बाद वालों के लिए लफ्ज है, वो तो जमाते रसूल है, तो हम जमाते अहले सुन्नत हैं, तो रसूल की जमात जमाते सहाबा है। मौला अली बड़े पक्के सुन्नी मुसलमान थे, कोई बोलेगा? हजरत अमीर माविया सुन्नी थे, कोई बोलेगा? अरे जमात है, सब रसूल के सहाबी हैं, कौन किसे लड़ता वो जाने भाई। अब हजरत मूसा नबी है और नबी को तमाचा मारना कुफ्र है, नहीं है कुफ्र? नबी को दाढ़ी पकड़ के तमाचा मारोगे तो क्या बनोगे? लेकिन मूसा अलैहि सलाम हारून अलैहि सलाम की दाढ़ी पकड़ के मारे तो कह रहे भैया वो झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे, वो नबियों का मामला है। तो अगर बुशाचार आते सहाबा जंगे जुमल है, सिफी ने आपस में लड़े हैं, क्या बोलते? नहीं 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 नहीं, वो जमात अलग है, हमसे उसे कोई मतलब नहीं। अहले सुन्नत में बताओ किसी ने सहाबी की तौहीन की हो सुन्नी हो, किसी ने अहले बैत की तौहीन की हो सुन्नी हो, तब फिर तो हमारे हाथ में वो नेजा आएगा कि लोग अहमद रजा को याद करने लगेंगे। ये रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है। लेकिन अहले बैत पर नहीं, सहाबा पे नहीं, अंबिया पे नहीं, जमात अंबिया सुपीरियर है, उसके बाद जमात सहाबा हम में सुपीरियर है। हाँ ताबई और तबे ताबई को लाओ, गड़बड़ होगा, जैसे यजीद गड़बड़ था तो हमने बड़ी पिटाई की, तो वो सहाबी नहीं था। जो सहाबी है वो सराखों पर, ये अकीदा अहले सुन्नत है, इसको मजबूती से रखना।
इस साथी भी वाला दे दे तो जिस जमात में सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान, कुरान का साथी नहीं बनाया। अल्लाह अल्लाह पिया साहबी, मेरे साहबा के बारे में अल्लाह से डरो, बोलने से पहले जबान चुप रखो, कंट्रोल में रखो, मेरे साहबी है, जैसे हैं मैं देखूंगा। असहाबी कर नुजूम बे यही मक्तदई तुम एहतदई तुम, मेरे साहबा हिदायत के सितारे हैं लेकिन साथी नहीं बनाया। ये कहा इस्तजु बिद्दीन मिम्बादी अबू बकरो उमर, दीन में मेरे बाद अबू बकरो उमर की पैरवी करो मगर साथी नहीं बनाया। वो साहबा जैसी जमात चश्मे पलक ने ना देखी हो, वो साहबा जिसने बद्र उहद खैबर खंदक में काफिरों को धूल चटाया हो, वो साहबा जिसने हिजरत के बाद इस्लाम के झंडे को लहराया हो, वो साहबा दस्त दस्त दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो साहबा जिसने अफ्रीका के जंगलों को आबाद किया, वो साहबा कलीसा में अजान बुलंद कर दी, वो साहबा जिसने कैसर रूम के गुरूर को तोड़ा, वो साहबा जिसने ईरान के घमंड को मिट्टी में मिलाया, वो साहबा। लेकिन साथी नहीं बनाया, साथी अहले बैत को बनाया। तब वजह बेहतरीन जमात, मैचलेस, मार्वेलेस, टॉप जमाते साहबा, कुरान का साथी नहीं बना। अब इस बात को समझने के लिए पहले साहबी समझना होगा। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ साहबी? शॉर्ट, मुख्तसर, जिसने नबी को अपनी आंखों से देखा और दुनिया से ईमान के साथ गया, सहाबी। दीदारे मुस्तफा, मौत अल इस्लाम, ही सा फेस ऑफ होली प्रॉफिट बाय हिज ओन आईज एंड डाइड अपॉन इस्लाम, ही सहाबी। ये तो साहबी की डिफिनेशन हुई। अब साहबी का दर्जा सुनो। 1,24,000 साहबा हो, 2,00,000 हो, जितने भी हो, अल्लाह उसका रसूल जाने, पर आखिरी पंक्ति में जो साहबी है, जो साहबियों में छोटा है फजीलत में भी, उसका हाल ये है कि वो गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। हर सहाबी, अब मैंने सोचा लंबा चौड़ा क्यों बोलूं, ये दो भारी शख्सियत है, जहान वाले गौसो आजम को, हिंदुस्तान वाले गरीब नवाज को भूल ही नहीं सकते। और जब इनके ये भी दर्जे में सहाबी से कम, वो गौसो आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जो अली का दिल और फातिमा का जिगर हो, और वो गौसे आजम कायनात पर जिसकी नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, निकलता हुआ सूर्य नमस्कार करे, निकलता हुआ सूर्य नमस्कार करे गौसे आजम का, तो सुन, गौसे आजम मेरे दादा भी हैं और पीर भी हैं, सारे सुन्नियों के पीर हैं। तो जब ये सूर्य नमस्कार मेरे पीर को करता रहा तो हम काहे को करें? इसी सूरत से पूछो गौसे आजम कौन है,
इसी सूरत से पूछो किसके इशारे पे तू पश्चिम से पलटा। ये तो हमारे नबी को भी नमस्कार करता रहा और वली को भी नमस्कार करता रहेगा। अब दर्जा समझ में आ गया साहबी का। अब गौसे आजम का दर्जा तो किसी माइक के लाल को मालूम नहीं, तो जो इनसे भी अफजल होगा उसमें कोई हम खोट नहीं निकालेंगे। एक बात बताऊं, एक मेरी फिक्र है, उलमाए कराम उसे नोट कर लें। नबी मासूम अनिल खता, नबी मासूम अनिल खता। साहबा महफूज अनिल अजाब, गलती भी होगी तो अजाब नहीं होगा, खता होगी इश्तिहादी तो अजाब नहीं होगा। मुताखासमैन इंदल्ला माजूद, वो लंबी बात है, यूं समझो अजाब से महफूज। जब अल्लाह ही अजाब नहीं देगा तो तू क्या बिगाड़ लेगा, तू सहाबी का क्या बिगाड़ लेगा जब किसी सहाबी पर अजाब नहीं होगा। तो महफूज अनिल अजाब और अहले बैत महफूज अनिल खता। आयत तत्हीर ने गारंटी ले लिया है कि ये खता से पाक कर दिए गए। ये तीन बात सुनने के बाद फिर कम टू दी पॉइंट। रसूल को देखा, इस्लाम पर दुनिया से गया सहाबी। अफार योर अंडरस्टैंडिंग, समझने में सुविधा हो मिसाल दे रहा हूं। हिंदुस्तानी समय के अनुसार मानो एक शख्स एक काफिर रसूल के पास सुबह 10 बजे आया, इंडियन टाइम्स सुबह 10 बजे, कलमा पढ़ा, तौबा किया, मुसलमान बना, 11 बजे घर पहुंचा, इंतकाल हो गया। सहाबी है कि नहीं, गौसो ख्वाजा से अफजल है कि नहीं? अब बताओ, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल किया, किस अमल ने, कौन से अमल ने दर्जा दिया है? अमल तो उसके बाद था ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, ना फजीर का वक्त है, ना जोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। न रोजा, न हज, न ज़कात, और गरीब नवाज से अफजल। हमें तस्बीह पढ़ी नहीं पढ़ी वो भी मालूम नहीं, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे घर पहुंचा, इंतकाल हो गया, सहाबी। इसका मतलब हुआ सहाबी अमल से बनता ही नहीं। और जब वो अमल से बना ही नहीं तो उसका अमल देखते काहे को। जिस चीज से जो बनता है ना वही चेक करते हैं। बोले मैं सैयद हूं, डीएनए चेक करो, डीएनए में आया, हाँ मुहद्दिस आजम का बेटा है सैयद। चेक किया जाता है भाई हर बने को। ये माइक बना है स्टेनलेस स्टील से बना, चेक करो कैसा है। किसी का घर मिट्टी से बना होगा तो मिट्टी चेक करो। आरसीसी से बना है तो रॉड सीमेंट और कंक्रीट चेक करो कितना मिला के बना है। किसी का घर लकड़ी का बना है, लकड़ी चेक करो। जिस चीज से बनता है वही चेक होगा। सहाबी अमल से नहीं बनता, निगाहे मुस्तफा से बनता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, शहजादे हुजूर मुअत्तस आज़म हिंद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या अली। सहाबी अमल से नहीं बनता, निगाह मुस्तफा से बनता है।
माँ का दूध पिया है तो निगाह मुस्तफा चेक करो, पता चल जाएगा ये वही निगाह है। माँ जागल बसरो अमा तगा, रश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब, आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। ए अल्लाह अपने को दिखा दे, दिखा दे रब्बे अर्नी, रब्बे अर्नी जवाहरलाल तारानी, तुम नहीं देख सकते। कहे जा रहे हैं दिखा दे, और अल्लाह कह रहा नहीं देख सकते, दिखा दे नहीं देख सकते, दिखा दे नहीं देख सकते, मैं अल्लाह का रसूल है। वो एक बार अल्लाह ने मना कर दिया तो चुप हो जाना चाहिए ना, क्यों कहे जा रहे हैं दिखा दे। अल्लाह ये कह रहा है तुम नहीं देख सकते ही तो कह रहा है, वो तो दिखा सकता है, मुझमें देखने की ताब नहीं है, मगर वो चाहे तो अपने को दिखा दे। तूर पे आओ, तजल्ली है, तजल्ली देखा, कुरान बोलता है खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद। वो तजल्ली जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली। और कौन नहीं देख पाया, अल्लाह का कलीम खर्रा मूसा सैका, बेहोश हो गए सिफत की तजल्ली। मगर ए हबीब आपने तो जात को देखा, पलक झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, देखते रहे। वो जरफे कलीम है, ये जरफे हबीब है, वो चश्मे कलीम है, ये चश्मे नबी है। तो जिसकी आंखों में मोजिजा हो, वो जिस पर पड़ जाए, वो सहाबी ईमान के साथ गया, सहाबी। फिर भी रसूल ने सहाबी को कुरान का साथी नहीं बनाया, क्योंकि सहाबी बनने के लिए जरूरी है कि नबी हो। नबी होंगे तब दिखेंगे, देखेगा इस्लाम पर मरेगा तब सहाबी होगा। अब जब रसूल को मालूम है एक दिन ऐसा आएगा मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं अपने मरकज में जलवागर होऊंगा, अपनी कब्र में जलवा नुमाई करूंगा और लोग मुझे नहीं देखेंगे। तो जो रसूल नहीं रहेंगे जमीन पर तो लोग देखेंगे नहीं, जब देखेंगे नहीं तो सहाबी बनेंगे नहीं। कि सहाबी के लिए दीदार जरूरी है, दीदार होगा नहीं तो 50 साल के बाद घटते घटते सहाबी आधे घर जाएंगे, 100 साल के बाद 90% सहाबी खत्म हो जाएंगे, 200 साल के बाद तो कोई सहाबी जमीन में मिलेगा ही नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 साल तक ही तो वो साथ होते, कुरान फिर अकेला हो जाता। इसलिए नबी ने अहले बैत को साथी बनाया, न कुरान अकेला होगा न अहले बैत अकेले होंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, नारे तकबीर। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझको लाखों सलाम कि तूने हमें कुरान भी दिया, अहले बैत रसूल भी दिया। न कयामत तक कुरान को कोई खत्म कर पाएगा, न कयामत तक अहले बैत को कोई खत्म कर पाएगा। कुरान कभी अकेला नहीं रहेगा। इसीलिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, अहले सुन्नत व जमात न कुरान को छोड़ेंगे न अहले बैत को छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मीलाद मुस्तफा की बरकत से मिला है।
واخر دعوانا الحمد لله.